चलिए आज से शुरुआत करते हम लोग सीजीपीएस सीमेंस के प्रश्न पत्र एक के भाग एक सामान्य होने के बारे में। ठीक, इससे पहले हम लोग कहते हैं कि 2012 से लेकर 17 तक प्रश्न पत्र एक में क्या था और पाठ्यक्रम परिवर्तन सिलेबस परिवर्तन के बाद 2018 से प्रश्न पत्र एक में क्या है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे सीजीपीएससी मेंस में कुल 7 पेपर होते हैं, उनमें से प्रथम प्रश्न पत्र या प्रथम पेपर होता है भाषा का, लैंग्वेज का। ठीक, हम लोग सभी जानते हैं कि प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंक होता है, उसी क्रम में ये पेपर वन का भाषा भी 200 अंक ही है। ठीक है, यदि हम सिलेबस की बात करें 2012 से लेकर 2017 तक एक ही सिलेबस रहा, इस सिलेबस के दौरान भाषा के अंतर्गत 4 भाषाएं शामिल थी। ठीक है, पहला सामान्य हिंदी, दूसरा जनरल इंग्लिश, तीसरा छत्तीसगढ़ी भाषा और चौथा संस्कृत। ठीक है, ये 2012 से लेकर 17 तक रहा और इसमें प्रत्येक भाग से 50-50 अंक के प्रश्न पूछे जाते थे। लेकिन आप सभी को ज्ञात होगा कि वर्ष 2018 में पाठ्यक्रम परिवर्तन हुआ और इस पाठ्यक्रम परिवर्तन में भाषा के भाग 4 संस्कृत को हटा दिया गया। उसके बाद हिंदी से जहां से 2012-17 तक 50 अंक के प्रश्न पूछे जाते थे, अब यहां से 100 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वर्तमान 2018 के सिलेबस की बात की जाए, ठीक है, तो इसमें हिंदी से 100 अंक के, इंग्लिश से 50 अंक के और छत्तीसगढ़ी से 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको इसमें महत्व दिख रहा होगा कि यदि हम प्रश्न पत्र एक में यदि अच्छा नंबर चाहिए तो हमको हिंदी को फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, हमें हिंदी को फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, आप देख लेते हैं कि हिंदी में कौन कौन से पाठ्यक्रम हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं और इन टॉपिकों से क्या क्या प्रश्न आए हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, इसमें मैं एक तुलनात्मक प्रयास किया हूँ, इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। एक तो आपका 2012 से लेकर 17 तक जिसमें हिंदी से कुल 50 अंक प्रश्न पूछे जाते थे और अभी 2018 में नए पाठ्यक्रम के बाद एक ही बार एग्जाम हुआ है, अभी जो होने वाला था वो या आगे होगा, ये आपका सेकंड राउंड का है। ठीक है, तो इसमें आपका 100 नंबर का है। तो देख लेते हैं पाठ्यक्रम में सबसे पहले है भाषा बोध, 2018 में यहाँ से 4 नंबर का है और 2012 से लेकर 17 में 2 अंक आया था। भाषा बोध में पहले राजकीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा ऐसे प्रश्न आते थे, लेकिन 2016 और 2018 में यहां से वर्णमाला से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद है संक्षिप्त लेख, संक्षिप्त लेख 18 में भी 6 अंक आया और 12 से लेकर 17 में भी 6 अंक का। इसमें क्या रहता है, सार लेखन 1/3 और शीर्षक रहता है, सार लेखन से 5 नंबर मिलते हैं और शीर्षक से 1 नंबर। ठीक है, उसके बाद पर्यायवाची शब्द ये यथावत है। ठीक है, विलोम शब्द से 2 अंक आते हैं, पूर्व में भी 2 अंक आते थे। उसके बाद समुच्चारित शब्द, पहले ये 3 अंक आता था लेकिन वर्तमान में 4 अंक के प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद संधि एवं संधि विच्छेद, पहले 2 नंबर के आते थे किंतु वर्तमान पाठ्यक्रम में ये 4 नंबर के 4 अंक आ रहे हैं। उसके बाद समास एवं समास विग्रह है, पहले 2 अंक आते थे लेकिन वर्तमान में 4 अंक आ रहे हैं। अब बात आती है तत्सम और तद्भव का। ठीक है, तत्सम और तद्भव का, तो अभी के पाठ्यक्रम में 18 में देखेंगे तो इसमें तत्सम से 2 अंक आया है और तद्भव से 2 अंक पूछा गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा 17 से लेकर 12 में ऐसा नहीं होता, या तो तत्सम से प्रश्न आता था या तद्भव से, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे 2016, 15 और 13 में तत्सम से प्रश्न है तो वही 17, 14 और 12 में तद्भव से प्रश्न है, लेकिन वर्तमान पाठ्यक्रम में दोनों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके बाद देखते हैं शब्द शुद्धि, पहले 2 अंक हुआ करता था, अभी 3 अंक हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि में पहले 4 अंक हुआ करता था लेकिन अभी 3 अंक का प्रश्न यहां से पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे उपसर्ग और प्रत्यय, जैसे तत्सम और तद्भव के साथ होता था वैसे उपसर्ग और प्रत्यय के साथ होता था।
यदि अभी देखेंगे तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से चार चार अंक के प्रश्न आए हैं, लेकिन विगत वर्ष 12 से लेकर 17 के दौरान ऐसा नहीं होता था। ठीक है, जैसे हम देखेंगे उपसर्ग, उपसर्ग देखेंगे 17, 16, 15, 13, ठीक, इन वर्षों में उपसर्ग से प्रश्न पूछे गए, जबकि 14 और 12 में प्रत्यय से पूछे गए, लेकिन वर्तमान जो प्रश्न आ रहे उसमें दोनों टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं। उसके बाद मुहावरे और लोकोक्ति, पहले भी इनसे तीन तीन नंबर के प्रश्न पूछे जाते थे, ठीक है, अब भी याद रखना 3 अंक के ही प्रश्न आते हैं। उसके बाद आएंगे पत्र लिखन, पत्र लिखन में व्यापक परिवर्तन हुआ है, आपको विशेषता ध्यान देना पड़ेगा, हमारे हिंदी बुक में इसको बहुत अच्छे ढंग से बताया है, आप जरूर इसका अध्ययन कीजिएगा। पहले यहाँ से 6 अंक के प्रश्न आते थे, लेकिन अभी देखेंगे तो 16 अंक के प्रश्न आ रहे हैं, ठीक, मतलब व्यापक परिवर्तन। उसके बाद जाएंगे हिंदी साहित्य के इतिहास, कल इसके बारे में हम लोग वीडियो शुरुआत करेंगे, तो हिंदी साहित्य का इतिहास से पहले प्रश्न क्या आता था, तो कालखंड का नाम एवं नामकरण करता प्रश्न आते थे, लेकिन 2018 में जो प्रश्न आए हैं इनमें उस कालखंड के रचनाकार एवं उनके रचनाएं लिखी प्रश्न आया है। उसके बाद 2 अंक का पत्र पत्रिकाएं पूछा था, तो पहले यहां से 2 अंक के प्रश्न आते थे, लेकिन अभी याद रखना 8 अंक, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ साहित्य एवं साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं के बारे में पहले 4 के आते थे, अभी याद रखना 6 अंक आ रहा है, ठीक, इसको आपको विशेषता ध्यान देना है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इतिहास के बाद इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका छत्तीसगढ़ी भाषा में भी 10 अंक आता है, मतलब छत्तीसगढ़ी साहित्य एवं साहित्यकार उनकी रचनाओं संबंधित 14 नंबर के प्रश्न आते हैं, रखना, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, दोनों में काम आएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, पहले 3 अंक आया करता था, लेकिन अब 4 अंक आ रहा है, ठीक है। तो ये पुराने पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे गए, अभी 2018 की जो पाठ्यक्रम आए हैं नवीनतम पाठ्यक्रम, उनमें इन तीनों को सम्मिलित किया गया है, एक अपठित गद्यांश जहां से 2018 में 6 अंक के प्रश्न पूछे गए थे, शब्द युग्म से नहीं पूछे गए थे, अनुवाद, अनुवाद से रखना, इसमें 2 प्रकार के प्रश्न होंगे, एक आपको इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना है, ये 5 अंक का, और दूसरा जो है ये आपको हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, अनुवाद करना है, यहाँ से आपको 5 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, 2018 में। तो ये पाठ्यक्रम रहा, इनको एक बार आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इन टॉपिकों से क्या क्या प्रश्न आए हैं मैं बता दूं, 70% जो क्वेश्चन होते हैं वह फैक्चुअल, मतलब फैक्ट है, तथ्य पर आधारित है, सीधा सीधा फैक्ट पर आधारित है, ठीक है। और 30% जो प्रश्न है इनमें आपको ये सब अपठित गद्यांश वगैरह पर ध्यान देना पड़ता है, ठीक है, बन जाएंगे। इसमें जो 70% जो प्रश्न है ये PSC व्यापम में विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्नों का समावेशन होता है, चाहे तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, बन जाएंगे। हमारी पुस्तक है, आप में से कई लोग जान भी रहेंगे, मुख्य परीक्षा का अनसॉल्व्ड पेपर है, जल्द ही आपके समक्ष सॉल्व्ड पेपर भी आने वाले हैं, ठीक है। तो अनसॉल्व्ड पेपर में आप देखिएगा कि विगत वर्ष में इन टॉपिकों से क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। देखिए मैं आप लोग को सुझाव दूंगा कि आप किसी भी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो आप सबसे पहले अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व कीजिए, यही आपका मुख्य मार्गदर्शक है, यही बताया है कि हमको किस दिशा में आगे बढ़ना है, कैसे हमको पढ़ाई करना है, ठीक है। तो हमारे इसमें अनसॉल्व्ड पेपर जो पुस्तक है इसमें पूरा का पूरा 2012 से लेकर 18 तक दिया हुआ है, ठीक, नवीनतम सिलेबस और पुराने सिलेबस को मेंशन करके कैसे कैसे परिवर्तन हुए उनको पूरा पूरा दिया है। तो आप अनसॉल्व्ड के प्रश्न देखिए, ठीक है। कल के वीडियो में मैं प्रयास करता हूँ कि जो विगत वर्ष में 2012 से लेकर 2018 तक का टॉपिक्स बात करेंगे हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास का, उनका एक वीडियो बनाता है, ठीक, उसमें देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे पढ़ना है, अर्थात विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न जरूर देखिए, भले आपके पास जो भी स्रोत, जरूरी नहीं कि यही स्रोत, जो भी स्रोत उनसे आप देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पुस्तक का, तो पुस्तक के संबंध में ध्यान रखना ये हमारे विशिष्ट हिंदी पुस्तक है, अभी लॉकडाउन कारण शायद ही आपको मिल पाएंगे, ठीक, ये विशिष्ट हिंदी हमारे पुस्तक है। तो ये व्यापम और PSC में जो प्रश्न पूछे गए उनका एक संकलन है, आगे प्रश्न दिए हैं, ठीक है, और एक रेफरेंस पुस्तक मैं आपको बोलूंगा सामान्य हिंदी,
डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे का आप बुक डिपो में जाकर देखिएगा। यदि आप पीएससी का प्रश्न 95% चाह रहे हैं तो यही से, इसके अतिरिक्त तो मैं दूसरे को आप कभी सजेशन नहीं दूंगा, यही द बेस्ट बुक है यदि आपको कंप्लीट पढ़ना है तो। बाकी हमारा पुस्तक भी आपको 75 से लेकर 80% तक कवर कर लेगा, लेकिन जो एकदम नवीनतम शब्दावली होती है। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये बुक में एकदम ज्यादा कंटेंट नहीं रहती है, हम लोगों में चुनिंदा जो IMP फैक्ट होते हैं उन्हीं को हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो लॉकडाउन के बाद ये मिल, लॉकडाउन ओपन होने के बाद ये मिल जाएगा, तो आप इसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल सहायक होगा। और हमेशा आपको मैं क्लास वगैरह भी बोलता हूँ कि 10 बुक को एक एक बार पढ़ने के बजाय एक बुक को 10 बार पढ़ो, उसका ज्यादा आपको फायदे मिलेंगे, ठीक है। चलिए कल की वीडियो हम लोग शुरुआत करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में।